मेरा नाम आचार्य अरुण है। मैं एक संस्कृत का अध्यापक हूँ। मैं लगातार पिछले 7 वर्षों से विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ा रहा हूँ। प्रेजेंट टाइम में मैं गुरुकुल गौतम नगर दिल्ली में एक संस्कृत अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। बच्चों में संस्कृत को लेकर हमेशा एक डर बना रहता है, परंतु मैंने 1000 से ज़्यादा विद्यार्थियों के इस डर को चुटकियों में ख़त्म किया है। संस्कृत एक बहुत ही आसान एवं सरल भाषा है और मैं इसको और भी ज़्यादा अपने पढ़ाने के तरीके से सरल बना देता हूँ। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वही मुझे अन्य अध्यापकों से इस विषय में अलग करता है। मैं जो बेस होता है उससे बच्चे को स्टार्ट करता हूँ और उसके बेस को स्ट्रॉन्ग करके उसको एक ऐसे लेवल पर पहुँचा देता हूँ जब वो स्वयं संस्कृत के प्रश्नों को हल करने में सक्षम हो जाता है। वर्तमान समय में मेरे विद्यार्थी 95% से ऊपर स्कोर करते हैं। क्योंकि उनके बेस स्ट्रॉन्ग हैं इसलिए उन्हें इतना स्कोर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। इस समय मैं DU यूनिवर्सिटी से PhD कर रहा हूँ। अब तक आपने मेरे बारे में जाना, अभी मैं आपको संस्कृत में जिस विषय में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, सेंटेंस मेकिंग, उस विषय को एक बहुत ही आसान और सरल तरीके से समझाता हूँ। आप मेरे इस तरीके से ही जान जाएंगे कि मेरा जो तरीका है वो स्टूडेंट्स को इतना पसंद क्यों आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस बनाने के लिए कुछ हमें रूल्स की जरूरत होती है, जिसमें सबसे पहले यदि हम किसी भी भाषा के किसी भी सेंटेंस को किसी दूसरी भाषा में कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो सेंटेंस है उस सेंटेंस के अंदर मेन चीजें क्या हैं। जब भी हम किसी भी सेंटेंस को किसी दूसरी भाषा में कन्वर्ट करते हैं तो किसी भी भाषा के सेंटेंस में केवल 3 चीजें होती हैं। पहली शब्द, दूसरी क्रियाएं जिसको हम इंग्लिश में वर्ब्स बोलते हैं, और तीसरी उन शब्दों एवं क्रियाओं को जोड़ने वाले कुछ छोटे छोटे शब्द जिनको इंग्लिश में कंजंक्शन बोला जाता है। इन 3 चीजों से मिलकर के ही एक सेंटेंस जो है वो बनता है। तो सबसे पहले हमें पता करना है कि इन 3 चीजों को कैसे रखते हैं और ये जो कंजंक्शन है वो कैसे यूज होते हैं। उसको जानने के लिए हमें सबसे पहले कुछ बेसिक्स रूल का पता होना जरूरी है, तभी हम उन कार्यों को कर पाएंगे। तो जिस जो अन्य भाषाएं हैं उन भाषाओं से संस्कृत थोड़ा सा अलग है, उसमें कुछ, क्योंकि बहुत बड़ी भाषा है तो उसमें कुछ चीजें ज्यादा होती हैं दूसरी भाषाओं से। तो हम सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस मेकिंग रूल्स के बारे में। तो जब भी हम किसी भी भाषा से संस्कृत भाषा के अंदर सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें कुछ रूल्स की आवश्यकता होती है। जैसे एक सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट को वर्ब के साथ कैसे ज्वाइंट करते हैं या शब्दों को आपस में कैसे ज्वाइंट करते हैं, ये अनेक रूल है। तो सबसे प्रथम रूल जो होता है वो होता है सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में संबंध। सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा वर्ब को करने वाला होता है। सब्जेक्ट मीन्स यहाँ पे डूअर से है जो किसी भी काम को करता है। तो किसी भी काम को करने वाले को हम संस्कृत भाषा के अंदर कर्ता कहते हैं। कर्ता मीन्स डूअर। तो जो कर्ता होता है उसके अंदर एक विशेष विभक्ति होती है, तो वैसे ही जो क्रिया होती है उसके अंदर भी कुछ विशेष विभक्तियां लगती हैं। तो उनको जानने के लिए, क्योंकि कर्ता जो होता है वो हमेशा एक शब्द होता है, तो उस शब्द को जानने के लिए हम शब्द के बारे में कुछ चीजों को देखते हैं कि शब्द के अंदर क्या क्या क्वालिटी होती हैं
और उसकी स्पेशलिटीज क्या होती हैं। तो शब्द जो होता है हमारा, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, पर्सन। पर्सन जो वर्ड है वो शब्द को बताने के लिए है। संस्कृत भाषा के अंदर जितने भी शब्द हैं, उन सभी शब्दों को तीन पर्सन में डिवाइड किया गया है। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। कोई भी भाषा जो होती है उसकी जो ग्रामर होती है वो हमेशा शब्दों के आधार पे सीखी जाती है। तो यहाँ पे शब्दों को डिवाइड किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि नीचे, सबसे नीचे जो ब्रैकेट है, जो लाइन है, उसमें आपको तीन शब्द दिखाई देंगे। पहला अहम, दूसरा आवाम और तीसरा वयम। उनके साथ में उनका मीनिंग भी लिखा हुआ है। तो जो उत्तम पुरुष होता है उसके अंदर केवल मात्र ये तीन शब्द आते हैं। उसके बाद ऊपर चलते हैं, ऊपर आपको शब्द दिखाई देंगे त्वम, युवाम और यूयम। उनके साथ आप उनका मीनिंग भी देख सकते हैं। तो जो मध्यम पुरुष होता है उसके अंदर भी ये तीन शब्द ही होते हैं। बाकी जितने भी शब्द बचते हैं हमारी संस्कृत भाषा के अंदर, वो सारे के सारे शब्द जो होते हैं वो प्रथम पुरुष में आते हैं। तो हमने जैसे शब्दों को बांटा हुआ है, उसी प्रकार क्रिया को भी नौ पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे शब्द जो हैं ये नौ पार्ट में डिवाइडेड हैं। इसी प्रकार से हमने हमारी जो क्रिया है उसको भी नौ पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिसको मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा। तो अभी ये फर्स्ट स्पेशलिटी थी वर्ड की, पर्सन। अभी चलिए हम इसकी दूसरी जो वर्ड की स्पेशलिटी होती है, शब्द की जो दूसरी विशेषता है, उसके ऊपर मूव करते हैं और आगे फिर मैं आपको ये सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं। दूसरा है नंबर। अन्य भाषाओं में नंबर दो ही होते हैं। हिंदी में देखें तो वहां भी एकवचन और बहुवचन होता है। इंग्लिश में देखें वहां भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। लेकिन संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसके अंदर नंबर सिस्टम में तीन नंबर होते हैं, जिसको हम एकवचन, द्विवचन और बहुवचन के नाम से जानते हैं। जो संख्याएं एक होती हैं उनको हम एकवचन बोलते हैं। जो दो होती हैं, हमने संस्कृत में दो संख्याओं के लिए, जो भी दो चीजें हैं उनके लिए एक विशेष नंबर डिजाइन किया है, जिसको हम द्विवचन कहते हैं। तो जब भी दो चीजें आती हैं तो वहां पे हम उसको द्विवचन बोलते हैं, और जब भी दो से ज्यादा चीजें होती हैं तो उसको बहुवचन कहा जाता है। आप इसमें शब्दों को देख सकते हैं। बालक हो जो शब्द है वो एक वचन है अर्थात एक बालक। बालक हो शब्द जो है वो द्विवचन है अर्थात दो बालक। बालका शब्द जो है वो बहुवचन है अर्थात अनेक बालक। दो से ज्यादा बालक, दो से ज्यादा जितने भी होंगे हम उसको बालका से संबोधित करेंगे। ऐसे ही त्वम मीन्स तुम अकेले, युवाम मीन्स तुम दोनों अर्थात दो व्यक्ति, यूयम मीन्स तुम सारे, तुम दो से ज्यादा। ऐसे ही अहम, अहम मतलब मैं, और आवाम मतलब हम दोनों, यहाँ पे भी दो है, और वयम मीन्स हम सब अर्थात हम दो से ज्यादा जितने भी होंगे वो सारे के सारे हम सब में होंगे। तो अब तक हमने शब्द की सारी जो स्पेशलिटियां मैं बता रहा हूँ वो शब्दों की स्पेशलिटियां हैं। तो अब तक हमने शब्द की दो स्पेशलिटी देखी, पहला पर्सन, दूसरा नंबर। तो पर्सन भी हमारे साथ तीन है और जो नंबर है वो भी हमारे पास तीन है। अब चलिए हम शब्द की तीसरी स्पेशलिटी के तरफ मूव करते हैं और उसके बाद फिर मैं उसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तीसरी जो स्पेशलिटी है वो है जेंडर। अन्य जो भाषाएं हैं उनमें भी, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि जो दूसरी भाषाएं हैं उनमें जो नंबर्स होते हैं वो दो ही होते हैं, उसी प्रकार जो दूसरी भाषाएं हैं उनमें भी जो जेंडर होते हैं वो दो ही होते हैं, परंतु संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसके अंदर तीन है। फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं पुल्लिंग, सेकंड जिसको हम बोलते हैं नपुंसकलिंग, और थर्ड जिसको हम बोलते हैं स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग में मैंने आपको शब्द बताया बालक, बालको, बालकाह। ये जो शब्द है ये पुल्लिंग का है। अब दूसरा जो शब्द है वो हमारे पास है पुस्तकम, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। ये जो शब्द है वो नपुंसकलिंग का है। तीसरा जो शब्द है वो हमारे पास लता,
लता लते लताहा, ये जो शब्द है वो स्त्रीलिंग का है। अब यहाँ पे प्रश्न एक आता है कि हम शब्दों को कैसे पहचाने कि उस शब्द का लिंग क्या है या उस शब्द का जेंडर क्या है। तो इसको डिफाइन करने के लिए एक बहुत ही आसान ट्रिक है, आपको शब्द के लास्ट जो लेटर हैं उनको देखना है। यदि लास्ट लेटर में विसर्ग है तो इसका मतलब वो जो शब्द है वो पुल्लिंग है। यदि आपके लास्ट लेटर का जो वर्ड का जो लास्ट लेटर है वो यदि म है तो इसका मतलब वो शब्द जो है वो नपुंसकलिंग है। और यदि आपके शब्द में अंतिम लेटर जो है वो आ है, जैसे लता में है, या ई है नदी में होता है, या बड़ा ऊ है जैसे वधु में होता है, तो इसका मतलब वो जो शब्द है वो शब्द स्त्रीलिंग का है। तो हमने अब तक वर्ड की शब्द की तीन स्पेशलिटी देखी। पहली जो थी वो हमारे पास स्पेशलिटी जी वो नंबर थी, उसके बाद हमारे पास जो स्पेशलिटी आई वो पर्सन की आई, और उसके बाद हम देख रहे हैं जेंडर। तो ये जो तीनों स्पेशलिटियां हैं, ये तीनों स्पेशलिटियां ही शब्द को सेंटेंस बनाने के लिए मूव करती हैं। अर्थात जिस शब्द के अंदर ये तीनों स्पेशलिटियां होती हैं वो शब्द हमें पता चलता है कि उस शब्द के साथ हम कैसी क्रिया को लगाएंगे या उस शब्द के साथ हम कैसे शब्दों को आपस में जोड़ेंगे। आगे की स्लाइड के बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सेंटेंस को हम कैसे बना सकते हैं, आसानी से कैसे किसी भी सेंटेंस को हम फॉर्म करते हैं। उससे पहले आप देख लीजिए एक बार वर्ब का पैटर्न भी देख लीजिए, उसके बाद मैं सारी की सारी चीजें आपको इकट्ठा ज्वाइन करके और मैं दिखाऊंगा। तो हमारे पास जो वर्ब का पैटर्न होता है, यहाँ पे आपके लिखा हुआ है लट लकार। लट लकार का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस। हमारी जैसे दूसरी भाषाओं में फॉर्मेशंस चलती हैं वर्ब की, जैसे इंग्लिश है तो उसमें गो की फॉर्मेशन चलती है, गो वेंट गोन। इसी प्रकार संस्कृत भाषा के अंदर किसी भी वर्ब की, जिसको हम संस्कृत के अंदर धातु बोलते हैं, नो फॉर्मेशन चलती है। आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा पठती पठतः पठंती। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट पहले जब मैं आपको वर्ड के बारे में बता रहा था तो वहां पे मैंने आपको नंबर के बारे में बताया था, वहां पे मैंने आपको पर्सन के बारे में बताया था। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं आपके सामने वर्ब की जो स्पेशलिटी है उसके अंदर भी पर्सन भी है और नंबर भी है। ये जो लाइन है वो एक पर्सन की लाइन है, देख सकते हैं आप। ये लाइन इस जो है वो पर्सन की है, और ये जो लाइन है ये आपकी नंबर की है। अर्थात कोई भी क्रिया जो होती है या कोई भी वर्ब जो होती है उसके अंदर भी तीन वचन होते हैं और उसके अंदर भी तीन पर्सन होते हैं। अर्थात किसी भी क्रिया के अंदर भी तीन नंबर्स होते हैं और तीन पर्सन्स होते हैं। तो जिस प्रकार शब्दों के अंदर तीन नंबर्स होते हैं, तीन पर्सन्स होते हैं, उसी प्रकार क्रियाओं के अंदर भी तीन नंबर्स होते हैं और तीन ही पर्सन्स होते हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे प्रथम पुरुष में एक वचन जो है जिसको हम सिंगुलर कहेंगे पठती लिखा हुआ है, द्विवचन जिसको मैंने पहले बताया था आपको ड्यूअल कहेंगे उसमें पठतः लिखा हुआ है, और बहुवचन जिसको हम प्लूरल बोलते हैं उसमें पठन्ति लिखा हुआ है। वैसे ही नीचे आप मध्यम पुरुष में देखेंगे तो पठसी लिखा हुआ है एकवचन में, द्विवचन में देखेंगे तो पठथ लिखा हुआ है, और बहुवचन में देखेंगे तो पठथ लिखा हुआ है। ऐसे ही उत्तम पुरुष में देखें आप, एकवचन जो है उसमें पठामी लिखा हुआ है, और जो द्विवचन है उसके अंदर पठावह लिखा हुआ है, और जो बहुवचन है उसके अंदर पठामह लिखा हुआ है। अब मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। देखिए हमारे पास शब्दों के भी नौ प्रकार हैं और क्रियाओं के भी नौ प्रकार हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी आपको कोई भी सेंटेंस बनाना है तो आपको क्या करना है, नौ प्रकार के शब्दों में से एक प्रकार का शब्द लेना है, और नौ प्रकार की धातुओं में से, धातु की जो नौ प्रकार की फॉर्मेशन है उसमें से भी एक प्रकार की धातु लेनी है। जब आप उन दोनों चीजों को ज्वाइन कर देंगे
तो इससे वहां पे इजीली सेंटेंस जो है वो फॉर्म हो जाएगा। जैसे फर्स्ट जो मैं आपको पर्सन के बारे में बता रहा था, तो वहां पे मैंने फर्स्ट पर्सन में एक शब्द लिखा था सह। सह का मतलब होता वह, तो सह जो था वो मैंने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में लिखा था। यहां पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जो है वो पठती है, तो यदि आप इस सह के साथ इस पठती को लगा देते हैं तो यहां पे क्या होगा, सह पठती। ये हमारे पास एक सेंटेंस बनके जो है वो तैयार हो गया। तो सह का मतलब हमने किया था ही, और पठती का मतलब जो है वो मैंने आपको बताया कि पठती जो है वो प्रेजेंट टेंस में आता है, तो प्रेजेंट टेंस में यहाँ पे पठती का मतलब हो जाएगा रीडिंग। तो सह पठती मीन्स हो जाएगा ही इज रीडिंग। इस चीज को मैं थोड़ा सा और अच्छे से आपको नेक्स्ट उसमें एक्सप्लेन करूंगा, अभी हम अपने नेक्स्ट उस पे मूव करते हैं। अब जैसे दूसरी भाषाओं में वर्ब की फॉर्मेशन चलती हैं, वैसे ही संस्कृत भाषा में वर्ड की भी फॉर्मेशन चलती हैं। अब आप कहेंगे कि ये वर्ड की फॉर्मेशन क्यों चल रही है यहाँ पे, तो उसके लिए रीजन है, जो दूसरी भाषाएं हैं उनमें हम, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी हम वर्डों को आपस में जोड़ते हैं, क्योंकि सेंटेंस जो है वो तीन चीजों से मिलकर के बना है, एक शब्द जिसको वर्ड बोलेंगे, दूसरा वर्ब जिसको धातु बोलते हैं संस्कृत के अंदर, और तीसरा उन शब्दों को जोड़ने वाले कंजंक्शन। तो संस्कृत के अंदर कंजंक्शन जो है वो नहीं होते हैं, तो हम शब्दों को आपस में कैसे जोड़ते हैं, तो वो फॉर्मेशन के माध्यम से हम शब्दों को आपस में जोड़ते हैं। अब ये जो फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है बालक शब्द की, इसके अंदर सारे के सारे जो कंजंक्शंस मीनिंग देते हैं वो सारे के सारे मीनिंग्स इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे बालक, बालको, बालका, तो प्रथमा विभक्ति लिखी हुई है यहाँ आपके सामने। प्रथमा का मतलब होता है डूअर, जो भी डूअर होता है, सब्जेक्ट जो होता है, कर्ता जो होता है, उसके अंदर प्रथमा विभक्ति होती है। तो जहां भी हम कहीं बालक लिखेंगे तो बालक का मतलब होगा बालक जो है वो एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट जो है वो डूअर है, अर्थात बालक जहां भी होगा इसका मतलब होगा बालक लिखने वाला है या बालक पढ़ने वाला है, अर्थात बालक डूअर। द्वितीय विभक्ति जो है उसका जो मीनिंग होता है वो होता है टू, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं को। तो बालकम का मतलब होगा बालक को। तो जैसे ही आपने कहा कि बालक को कोई वस्तु दो, तो यहाँ पे हमने को शब्द का प्रयोग किया हिंदी भाषा में, तो यहाँ पे बालक को इस पूरे के पूरे शब्द की जगह पे हम संस्कृत में यदि ट्रांसलेट करेंगे तो बालकम लगा देंगे, तो बालकम का जो मीनिंग होगा वो बालक को हो जाएगा। ऐसे ही बालकेन, बालकेन का मतलब होगा, तृतीय जो विभक्ति होती है उसका मतलब होता है के द्वारा। ऐसे ही आगे चतुर्थी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति का मतलब होता है के लिए। आगे पंचमी है, पंचमी का मतलब होता है से। आगे षष्ठी है, षष्ठी का मतलब होता है का। और आगे सप्तमी है, सप्तमी का मतलब जो होता है वो था में और पर। तो इस प्रकार जितने भी कंजंक्शंस हैं वो सारे के सारे कंजंक्शंस इन विभक्तियों के अंदर ही आ जाते हैं, तो संस्कृत भाषा में हमें कंजंक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उस चीज को मैं आपको आगे स्लाइड में बताता हूं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, बालकः पठति। तो स्टार्टिंग में मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि जो भी वर्ड होते हैं उन वर्ड को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, पर्संस के अकॉर्डिंग भी, जेंडर के अकॉर्डिंग भी, और नंबर के अकॉर्डिंग भी। तो यहाँ पे बालक शब्द जो है वो हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, पर्सन में, जेंडर में ये मैस्कुलिन है, और जो हमारा नंबर आता है नंबर में ये सिंगुलर है। तो जब भी हम किसी भी शब्द के साथ उसी पर्सन उसी नंबर की वर्ब को लगा देते हैं तो हमारे पास सेंटेंस जो है वो अपने आप फॉर्म हो जाता है।
बालक यहाँ पे लिखा, तो बालक का मतलब जो होता वो होता बॉय। इसके साथ यदि हम फर्स्ट पर्सन की वर्ब लगा देते हैं, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है बालक, तो इसके साथ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जो वर्ब है वो हमने लगाई पठती। आपको पीछे की स्लाइड में मैंने दिखाया था कि पठती जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो हमने इसके साथ लगा दिया, तो ये बन गया बॉय इज रीडिंग। ऐसे ही नेक्स्ट उसमें चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा बालक पठती, तो बालक जो है वो ड्यूअल है इसके साथ, और ड्यूअल होने के साथ ही इसका जो पर्सन है वो फर्स्ट पर्सन है, तो इसके साथ हमने फर्स्ट पर्सन ड्यूअल की जो वर्ब है वो पठतः लगा दी, तो इसका ये जो सेंटेंस बना वो बन गया बालक पठतः मींस टू बॉयज आर रीडिंग। तो जिस भी पर्सन का शब्द है, जिस भी नंबर का शब्द है, ये दोनों चीजें आपको किसी भी शब्द के अंदर देखनी है कि जो शब्द है वो जिस पर्सन का है और जिस नंबर का है। यदि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ आपको फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की वर्ब लगा देनी है, तो हमारा सेंटेंस जो है वो फॉर्म हो जाएगा। यदि फर्स्ट पर्सन ड्यूअल है तो उसके साथ हमें फर्स्ट पर्सन ड्यूअल की वर्ब लगा देनी है, तो हमारा सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा। यदि फर्स्ट पर्सन प्लूरल है तो हमें उसके साथ फर्स्ट पर्सन प्लूरल की जो फॉर्म है वो लगा देनी है, तो हमारा सेंटेंस जो है वो फॉर्म हो जाएगा। ऐसे जो थर्ड सेंटेंस है उसमें हम देख सकते हैं त्वम शब्द है। त्वम जो है वो मैंने आपको बताया था कि मध्यम पुरुष में आता है, सेकंड पर्सन में आता है, तो इसके साथ हम जो वर्ब लगाएंगे वो भी सेकंड पर्सन की ही लगाएंगे। अब हमें दूसरी चीज इसके अंदर देखनी है नंबर, तो त्वम जो है वो सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब जो लगेगी वो भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो त्वम के साथ हमने सेकंड पर्सन सिंगुलर की जो वर्ब है वो लगा दी है पठसी। पठसी होती है, मैंने आपको पहले वाली स्लाइड में दिखाया था, तो ये जो सेंटेंस था वो फॉर्म हो गया त्वम पठसी यू आर रीडिंग। आप देख सकते हैं ये सारे के सारे जो सेंटेंसेज हैं वो प्रेजेंट टेंस में हैं, क्योंकि हम प्रेजेंट टेंस की वर्ब लगा रहे हैं, तो सारे के सारे जो सेंटेंस हैं वो भी प्रेजेंट टेंस में ही आ रहे हैं। ऐसे ही अगला सेंटेंस हम देखते हैं अहम पठामी। अहम शब्द जो था वो मैंने दिखाया था आपको उत्तम पुरुष में आता है, अर्थात थर्ड पर्सन में। तो यहाँ पे और इसका जो नंबर है वो इसका नंबर सिंगुलर है, तो हमें इसके साथ जो वर्ब लगानी है वो भी सिंगुलर ही लगानी है और थर्ड पर्सन ही लगानी है। तो यहाँ पे हमने अहम के साथ पठामी लगा दिया जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ हमारा जो ये सेंटेंस है ये फॉर्म हो गया अहम पठामी। अब ये प्रेजेंट टेंस में है तो इसका मीनिंग होगा आई एम रीडिंग। तो इस प्रकार से हम जब भी किसी सेंटेंस को फॉर्म करते हैं तो ये जो सारे के सारे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको टॉपिक्स, आपको चीजें क्लियर की हैं, उन टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए जब हम करते हैं तो सारे के सारे सेंटेंसेस जो हैं वो अपने आप फॉर्म होते चले जाते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा, मैंने आपको एक एक सेंटेंस जो है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म करके दिखाया, एक एक चीजें जो है वो एक्सप्लेन की हैं। आई होप मेरा जो तरीका है वो आपको काफी अच्छा लगा होगा, क्योंकि संस्कृत जो है एक मैथमेटिकल लैंग्वेज है और इसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं। यदि उन रूल्स पे आपकी अच्छी कमांड हो जाती है तो आपको ये लैंग्वेज जो है वो बहुत ज्यादा इजी लगेगी और आप इसको इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई भी ज्यादा डिफिकल्टी या कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ आपको मेरा यह तरीका पसंद आया होगा, मेरा जो टीचिंग मेथड है वो भी आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा तरीका पसंद आता है तो मैं अर्बन प्रो पे एक सर्टिफाइड ट्यूटर हूँ, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी कांटेक्ट डिटेल वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पे मेरी जो प्रोफाइल है उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, उसके अंदर सारी की सारी जो फॉर्मेशंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, जो स्टूडेंट्स हैं उनके रिव्यू देखने को मिलेंगे कि कितने सारे स्टूडेंट्स मेरे से सेटिस्फाइड हैं और कितने सारे स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ और उनके रिव्यूज़ कैसे हैं, मेरा पढ़ाने का मेरे पढ़ाने को तरीके को लेकर उन्होंने अपनी कैसी वहाँ पे रिव्यूज डाले हैं, उन सारी चीजों को देख करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार के टीचर से पढ़ना है। और उसके लिए यदि मैं आपको सुटेबल लगता हूँ तो आप मुझे अर्बन प्रो पे जा करके जरूर कॉन्टेक्ट करें और क्लासें लें।
आपका अंतिम में धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।